एक बात है, भजन के साथ साथ कुछ चटनी भी होते रहे तो अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो ताली तो बजा दीजिए सभी लोग। वाह क्या बात है। एक बार का बात है, और किसी और के बारे में क्या कहे, हमारे नवीन भैया जो अनाउंसर हैं उन्हीं के बारे में बात है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। एक भाई साहब है, आप लोग भी कहीं भी अगर ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी कहीं अगर बस में या ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके आगे वाले सीट पे जो बैठे होते हैं वो अगर खिड़की के बाहर से अगर पानी भी फेंकते हैं तो पीछे वाला को थोड़ा मोड़ा पड़ जाता है, क्योंकि रफ्तार में गाड़ी रहता है। तो एक भाई साहब जा रहे थे बस पकड़ के पटना, उनके आगे वाले सीट पे जो बैठे हुए थे वो पान खाए हुए थे, वो जब खिड़की से बाहर जब पीक फेंके तो उनके मुंह पे आके पड़ गया। वो बड़ी गुस्सा गए, लाल बबूला हो गए। सामने वाला जो पीक फेंके हुआ था, इधर देखिए सारू भाई, इधर देखा एने ब्लैक बोर्ड इधर है, तो जिसके मुंह पे वो पीक पड़ा था वो तो बड़ी गुस्सा गया, आज जो पीक फेंका था वो डर गया कि सामने वाला बड़ा मजबूत है, मार के तो बर्बाद कर देगा आज। वो बोला भैया गलती हो गया, लाइए बढ़िया से साफ कर देते। बोला मेरे मुंह पे एक बार और थूक। वो सोचा कैसन आदमी है, अपने मुंह पे अपने थूकवा रहा है। वो बोला लगता है ज्यादा गुस्सा आ गया है। बोला भाई साहब लाइए बढ़िया से पानी से पोंछ देते हैं। फिर से वो व्यक्ति बोला मेरे चेहरा पर एक बार और थूक। वो सोचा कैसन आदमी है, तभी अपने मुंह पे अपने बोल रहा है। बोला बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। बोला भाई साहब लाइए बढ़िया से शैंपू से साफ कर देते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोला नहीं, मेरे मुंह पर एक बार और थूक। वो गुस्सा के थूक, लेकिन थूकने के बाद पूछा कि भैया एक बात बताइए, किसी के देह पे थोड़ा छीटा भी पड़ जाता है तो वो एकदम झगड़ा करने लगता है, आप अपने मुंह पे थूकवाते हैं, कारण क्या है? तो भाई साहब बोले कि जानते हो मेरी पत्नी हमसे कहती थी कि तुम्हारे मुंह पे तो कुत्ता भी नहीं थूकेगा, हम तो आदमी से थूकवा लिए। ऐसा ऐसा व्यक्ति होते हैं। कहाँ चल गए? ओ बोलिए सच्चे दरबार की। तो जो जो ऐसे व्यक्तित्व है जरा हाथ उठा लीजिए सच्चे मन से। बाबा बट मौसा आइए, एक बड़ा सुंदर भजन है, ये सब होते रहेगा। बोलिए शंकर भगवान की, किसेस न बड़े महेश बड़े, जो शेष को गले लपटाए हैं, महेश न बड़े कैलाश बड़े, जो महेश को सर पे उठाए हैं, कैलाश न बड़े रावण बड़े, कैलाश न बड़े रावण बड़े, जो कैलाश को उठाए हैं, रावण न बड़े बाली बड़े, जो रावण को काख दबाए हैं, बाली ना बड़े राम बड़े, जो बाली को मार गिराए हैं, राम ना बड़े हनुमान बड़े, जो श्री राम का नाम जपाए हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गा महारानी की। आइए एक बड़ा सुंदर भजन है दुर्गा महारानी का, आप सबों को जरूर पसंद आएगा। आ कोई गलती हो जाए तो एक छोटा बालक समझ के माफ कर दीजिएगा। आइए किन्नी मिया के दाढ़ी मैया, नी मिया के दाढ़ी मैया, डालली असनवा की झूमी झूमिना। हमारे घर के जितने भी महिलाएं होती है उनको एक भजन जो होता है बहुत याद रहता है, और भजन याद होए या ना होए
लेकिन ये भजन हमेशा इन लोगों को याद रहता है। आप लोग भी सुन लीजिएगा कौन भजन है वो, बोलिए सच्चे दरबार की। आ जिनको जिनको आता होगा वो बहाना मत कीजिएगा कि जगदम्बा घर में दियारा मैया जी के आराती हो जाए ताली एक बार। ये भजन तो इन लोगों को ऐसे ही याद रहता है जैसे बचपन में लोग कख कख लिखता है कि मैया जी के आराती भजन देख लिए इन लोग का इन लोग मुंह से गा रही है। आई है गीत अगर मंदिर में जाएगी तो कैसे गाएगी देखिएगा, अब हम मंच पे जाके बताएंगे। ताली उली बजा दीजिए जाओ। एक बात तो सच्चाई है भूषण भैया कि भक्त बहुत होते हैं लेकिन इन लोगों का जो भक्ति है एकदम याद रहेगा। एक बार हम कलाकार है हर जगह जाते हैं लेकिन ऐसा प्यार दुलार के लिए एक बार हम चाहेंगे कि हम सभी कलाकार एक बार इनके लिए ताली बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये लोग मंदिर में जाएंगी तो एक वो लड्डू पे करोड़ों रुपया का मन्नत मांग लेंगे, मात्र एक वो लड्डू पे। कैसे मंदिर में पूरा दिल के बात कह कह के कैसे रोएगी। आ कोई अगर बुजुर्ग महिला अगर मंदिर में पहुंच जाए तो वो कैसे जाएगी। हे माता माता हे माता हे काहे न सुनै छ हे माता। मंदिर में जाके कि निमिया के डार मैया बउओ तनका बाबूजी के खाना देना दो, बाबूजी भूखे हैं। हाँ हे माता तू सुनो, अब बउओ ने तनका भैंसी के भूसो दे दी हा माने पूरा एगो। आ चप्पल जो होगा वो मंदिर के बाहर नहीं खोलेगी कि चप्पल में कहीं चोर लेके भाग जाएगा वो एकदम एम में जाना ही चाहे माता बहुत चोर सब आई यहाँ पे कि मैया मोरी गावेली गीतिया बीमारी के दिन है हे माता बहुत इलाज करवाए लेकिन डॉक्टरबा सब पैसों ठग लिया कि निमिया के डार मैया अरे लावेली झूलू बाबा की झूमी झूमी ना मैया मोरी। हे माता अगर हमर बेटा के नौकरी हो जाए तो 50 ग्राम लड्डू चढ़ाब, अगर हमर बेटी के बियाह हो जाए तो 100 ग्राम लड्डू चढ़ाब। अब दुर्गा जी भी सोचती है कि बुड़बक तोरा बेटा के नौकरी दे दे 50,000 के महीना कमाए तो मात्र एगो लड्डू, वो नौकरी हम ही अपना पास नहीं रखेंगे, डेली लड्डू खाते रहेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए दुर्गा महारानी की। आइए एक बड़ा सुंदर भजन है दरबार में, आप सबको जरूर पसंद आएगा। और अगर ये कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो एक बार हमारे भूषण भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए आप सभी की ओर से। किन्नी मिया के दाही मैया डालली असनवा की झूमी झूमी ना, बोलिए सच्चे दरबार की और एकदम तालियों के साथ
कुछ भजन हमारे माता बहन के लिए सुना देते हैं, फिर आप नौजवान के लिए सुनाएंगे। वे भोला बाबा बम भोला बाबा, जब कमोरिया कमर छुआता हमरा लोटा में से। भगवानों सोचते हैं कि पूरा जल जब रास्ते में गिरा देगा तो हमरा पर घिउरा चढ़ाएगा। कि नीमिया के दाढ़ी मैया डालनी असानवा की झूमी झूमी ना। एक बार हाथ ऊपर करके सभी लोग एकदम सच्चा मन से आ तालियों के साथ, मैया झूलली झूला नवा की झूमी झूमी ना। मैया झूलली झूला नवा की झूमी झूमी ना। नीमिया के दाढ़ी मैया, नीमिया के दाढ़ी मैया डालली असनवा की झूमी झूमी ना। मैया झूलली झूला नवा की झूमी झूमी ना। मैया झूलली झूला नवा की झूमी झूमी ना। मैया झूलली झूला नवा की झूमी झूमी ना। क्या बात है, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। सातरे बहिनिया के भैरो हमें भैया, आदिशक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। सातरे बहिनिया के भैरो हमें भैया, आदिशक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। जेकरा सहारा नइखे, आप तनका खड़ा हो जाइए, सिर्फ आप कौन हमर क्रिया, एक बार ताली हो जा बाबा के लेल। सातरे बहिनिया के भैरो हमें भैया, आदिशक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। क्या बात है कि जेकरा सहारा नइखे, जेकरा सहारा नइखे राखली शरणवा कि झूमी झूमी ना। बोलिए सच्चे दरबार की, कि ये महारानी ऐसा वरदान दो कि मेरे तरक्की का रास्ता साफ हो जाए। ये नवरात्र में ऐसा चमत्कार करो कि यो कोरोना का जड़ से नाश हो जाए। कौन कौन चाहता है जरा उठाइए। हाँ बाबा, आई लव यू माने प्रेम करते हैं। आई लव यू के मतलब खाली गोलल फ्रेंड अब आयल फ्रेंड थोड़ी होता है। अरे भैंसी अगर ज्यादा दूध देवे तो लोग भैंसियों से मोहब्बत करता है। बड़ा लक्ष्मीनिया भैंसी है हमर, तो आप तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। कि ना मेरी मजबूरी थी ना कोई उनकी लाचारी थी, धोखा देना तो मेरी महबूबा की पैदाइशी बीमारी थी। बाबा एक बार छाछ पे आवा, गमछवा तनका गमछवा ऐसे रखिए ना, एक बार गमछा को ऐसे रखिए, एक बार ताली हो जाए। यो बाबा कि सातरे बहिनिया के भैरो हमें भैया, आदिशक्ति देवी के अनेक बाटे नैया नैया। कि जेकरा सहारा नइखे, जेकरा सहारा नइखे राखली शरण कि झूमी झूमी ना झूमी ना। अगर बाबा के लेल घनघोर तारी आ तब आइए। मैया झूलली झूला नवा कि झूमी झूमी ना। मैया झूलली झूला नवा कि झूमी झूमी ना। तालियों के साथ बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। तालियों के साथ कामरूप मख्य कल कतवाली काली, मैहर में सारे दा विंध्याचल विंध्य वाली।
कमरू कमख्या कलकत्ता वाली काली मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाल कश्मीर में वैष्णो देवी कश्मीर में वैष्णो देवी जाने ना जहनवा की झूमी झूमी ना कि कश्मीर में वैष्णो देवी जाने ला जहनवा की झूमी झूमी ना। बोलिए सच्चे दरबार की मैया झूले ली झूला नावा की झूमी झूमी ना मैया झूले ली झूला नावा की झूमी झूमी ना मैया झूले ली झूला नावा की झूमी झूमी ना मैया झूले ली झूला नावा की झूमी झूमी ना मैया झूले ली झूला नावा की झूमी झूमी ना मैया झूले मैया झूले ली झूला नावा की झूमी झूमी ना एक हमारे नया आशिक उधरो हो गए एक बार उनको ले जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए डांस कई प्रकार के होता है सभी लोग ध्यान से सुनिए इधर देखा डांस कई प्रकार के होता है। एक होता है बाराती डांस जो बैंड बाजा वाला के पैसा सजवाने के लिए खूब नाचो। एक होता है मूर्ति भसान डांस एकदम